हेलो माय फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन छोटे क्रिएटर के लिए जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उस पर जो है अपना वीडियो को अपलोड करते हैं। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जो है आप जो कहना चाहते हैं वो अगले को समझा नहीं सकते। तो एंड्रॉयड में तो बहुत सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है फ़ोन में कि आप आसानी से जो है किसी भी एंड्रॉयड को एप्लीकेशन को यूज़ करके आसानी से जो है यूज़ कर सकते हैं और आपको उसमें अनलिमिटेड टाइमिंग भी मिल जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है हमें लैपटॉप में नहीं मिलता है। तो लैपटॉप में हम बहुत सारा जो एप्लीकेशन आप जब इंस्टॉल करेंगे तो कुछ में आपको पेमेंट मांगेगा, कुछ में आपको जो है मिनट का जो है ड्यूरेशन कम होता है, किसी में 60 सेकंड का होता है, किसी में 2 मिनट का होता है, किसी में जो है 3 मिनट का होता है। लेकिन हमारा 2-3 मिनट में काम नहीं चलने वाला है, तो हमें जो चाहिए अनलिमिटेड टाइमिंग वाला। तो मैंने बहुत सारा एप्लीकेशन यूज़ करके देखा लेकिन कोई भी जो है हमें जो अनलिमिटेड टाइमिंग नहीं देता, उसके लिए हमें पैसा जो है पे करने के लिए बोलता है या फिर उसमें 1-2 मिनट का ही उसमें सिस्टम शो करता है। तो इस वीडियो में बने रहे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ वो कौन सी एप्लीकेशन है जिससे आप यूज़ करके आसानी से जो अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड जितना आप चाहें उतना, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे तक उसका रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और आसानी से जो अपना यूट्यूब का वीडियो उस पर बना करके एडजस्ट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आप जो अपने ऑडियंस को अच्छे से नहीं समझा सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमें एडिटिंग करना पड़ता है अपने बात को समझाने के लिए और अपने फेस के साथ साथ जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसे देख करके आप आसानी से जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप का अनलिमिटेड टाइमिंग में कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कैसे जो है हम लोग अपना लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आसानी से जो है उसे अनलिमिटेड टाइम में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना लैपटॉप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जो है आप अपने प्ले स्टोर में चले जाएँ। देखिए मैंने ये प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, ऐप स्टोर भी बोलते हैं, प्ले स्टोर भी बोलते हैं, हर आदमी का अलग अलग तरीका है बोलने का। तो ये देखिए मैंने ऐप स्टोर यहाँ पे जो है ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा एप्लीकेशन, जैसे मान लिया मैं इस पे लिख देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सारा जो है पेड है और उसमें जो है आपको थोड़ा ही टाइम मिलता है, 1 मिनट या 2 मिनट का टाइमिंग मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना सारा जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा एप्लीकेशन। इसे यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा देर बाद जो है 1 मिनट या 2 मिनट बाद वो ऑटो स्टॉप हो जाएगा, आप जो हर बार जो आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा, तभी आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके अनलिमिटेड टाइम में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊँगा इसी में जिससे आप आसानी से जो अनलिमिटेड टाइमिंग में जो है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम सिंपली जो है यहाँ पे टाइप कर देंगे टू क्लिक स्क्रीन रिकॉर्डर। ये देख सकते हैं यहाँ पे टू क्लिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पे इस तरह का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो करने को मिलेगा। और ये जो है बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मैं खुद इसे ही यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी इसे ही यूज़ करके आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इसमें बहुत सारा फीचर्स है, इस फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सिंपली मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप चाहें तो इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसको चेक करते हैं कि इसका फीचर क्या है। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रहा है। तो ये जो एरिया है इस पर अगर आप क्लिक करके इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये जो है आपको बहुत सारा जो है सिस्टम ऑन करने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका जो है ये फाइल का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ जो आपका फोल्डर यूज़ होता है, जहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग जाता है, वहाँ पर ये आपको शो करेगा कहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग जो है आपका रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये यहाँ पर इस तरह का ही हो गया। दूसरी है यहाँ पे सेटिंग है, तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप अपना वीडियो क्वालिटी कैसा रखना चाहते हैं, फ्रेम कैसा रखना चाहते हैं, 30 का रखना चाहते हैं, 60 का रखना चाहते हैं, ऑडियो क्या रखना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है।
प्राइमरी भी है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन का भी ऑप्शन है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर सेंटर भी मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये इसमें ज़्यादा उतना ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। इसमें आप जो है अनलिमिटेड टाइमिंग, आप दो घंटा, ढाई घंटा, चाहे तीन घंटा, चार घंटे तक का इसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बार बार स्टॉप नहीं होगा, ऑटो स्टॉप नहीं होगा, एक बार जब कर देंगे स्टार्ट तो वो रेगुलर स्टार्ट ही रहेगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन मैं इसमें आपको ऐड करके बता दे दो, कैसे जो है आप अपने स्क्रीन को जो अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी वीडियो को बताने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें अंडरलाइन करने की या फिर सर्कल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो है हम ऑडियंस को बता सकते हैं कि इस पॉइंट को आपको जो है यूज़ करना है। तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ वो एप्लीकेशन कौन सी है। यहाँ पे सिंपली हम फिर से चलते हैं ऐप स्टोर में, ऐप स्टोर में आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है सर्च कर देना है स्क्रीन मार्कर। चलिए टाइप कर देते हैं स्क्रीन मार्कर। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर का ऑप्शन आ गया, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करने, यहाँ देख सकते हैं ये इस तरह का एप्लीकेशन है, ये इस तरह का एप्लीकेशन है। तो मैं ऑलरेडी इसी ही यूज़ करता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी भी देख सकते हैं ये मेरा ऑन ही है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर मैं इसे ही यूज़ करता हूँ, इंस्टॉल है। आप भी इसे इसी तरीके से इंस्टॉल करके इसे यूज़ करते थे, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इस पर आपको जो है क्या करना है कि सिंपली इस एप्लीकेशन को यूज़ करके यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे यूज़ करके कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करके, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके फिर से आप जो है कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बहुत आसान तरीका, आप आसानी से जो है इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जो आप अपने लैपटॉप का जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग बड़ी आसानी से जो है कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत आसानी से जो आप इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, और अनलिमिटेड टाइमिंग में जो है अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो अपने लैपटॉप को जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।